दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आए हैं, लेकिन देश में ये वायरस अब पहले जितना घातक नहीं रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि संक्रमण के नए मामलों की बजाय इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख को पार कर गई है, लेकिन हाल ही के दिनों में सामने आ रहे दैनिक मामलों की तुलना में आज कोरोना के नए मामले कम सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,579 नए मामले सामने आए हैं, वहीं इस दौरान 776 लोगों की मौत हुई। इससे पहले पिछले 26 दिनों से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 61,45,292 हो गई है। सक्रिय मामले घटकर 9,47,576 हो गए हैं। वहीं 51,01,398 मरीजों ने इस वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौट गए। वहीं कोविड-19 के चलते देश भर में 96,318 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।